सब्सक्राइब करिए आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक आधे एचपी का मोनोब्लॉक पंप लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट वन यानी रनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधे एचपी का ये मोटर है, इसमें जो स्लॉट है, स्लॉट की बात करें तो 24 स्लॉट है इसमें और इसकी मैंने पहले से पीवीसी में इंस्टॉल कर लिया है। दोस्तों ये एक आधे एचपी का ये मोटर है जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस मोटर की और इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि इस मोटर में और क्या क्या चीज़ें हैं, कितने एमएफ का यूएफ लगेगा, कितने किलोवाट का है। तो दोस्तों ऐसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो कंपनी है स्वास्तिक कंपनी जो है, ये सेल्फ प्रीमियम मोनो ब्लॉक पंप है। इसकी एचपी की बात करें तो 0.5 एचपी का किलोवाट, 0.37 और दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगेगा ये 10 यूएफ यानी 10 एमएफडी का इसमें कैपेसिटर लगेगा और जो इसका आरपीएम है 2800 आरपीएम में ये वर्क करेगा और एसी वोल्टेज 220 एसी वोल्ट पे चलेगा। चलिए दोस्तों अब इसकी स्टम्पिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी स्टम्पिंग को नापने के लिए आप स्केल ले लें, स्केल सहायता से नापे। इसकी स्टम्पिंग जो है 2 इंच इसकी स्टम्पिंग है। अगर एमएम की बात करें तो इसकी जो स्टम्पिंग है 56 एमएम इसकी स्टम्पिंग है। तो चलिए दोस्तों इसका कोर लेंथ नापते हैं। इसका जो कोर लेंथ है, कोर लेंथ जो बीच की गोलाई गैपिंग होती है उसको हम कोर लेंथ बोलते हैं। इधर से और ऊपर से या नीचे से नापे इसकी 2.5 इंच इसकी कोर लेंथ है। चलिए दोस्तों अब आपको कॉइल का नाप लेके आपको दिखाते हैं। तो कॉइल का नाप आपको कुछ इस तरह से लेने हैं। इसका जो पिच रहेगा ये 1 से 6 रहेगा यानी बीच में 4 स्लॉट इसमें छोड़ने हैं आपको और आपको ऐसे जितना आपका इस तरफ है साइज उतना भी आपका दूसरी तरफ भी साइज रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब फर्मे पे आपको मैं कॉइल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको नाप को फर्मे पे लगा लेना है। मेरे पास ये फर्मा है, मैं फर्मा ये यूज़ करता हूँ। आपको इस तरह से आपको नाप को फर्मे पे लगा लेना है और फर्मे को अच्छी तरह से आपको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपको ये वायर्स नाप निकाल देना है। उसके बाद आपको वायर्स लेने हैं जिससे आपको रनिंग वायर्स बनेंगे वो वायर ले लेना है और किसी कपड़े या किसी कागज़ से आपको उसको पकड़ लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कॉइल बनाने में। और फिर आपको 4 कॉयलों का सेट बनाना है। एक सेट मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ और आपको 2 सेट बनाने हैं 4 कॉयलों का। तो कुछ इस तरह से आपको दोस्तों कॉयल बनाने हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो रनिंग का जो दूसरे सेट का चौथा कॉइल था वो भी इंस्टॉल हो गया है, यानी मेरा दोनों रनिंग का दोनों सेट मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद तो ये मेरा रनिंग का दोनों सेट कम्प्लीट इंस्टॉल हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा रनिंग का क्वाइल्स दोनों सेट इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों हम आपको रनिंग कॉइल कनेक्शन आपको बताते हैं। तो दोस्तों मेरे रनिंग का दोनों कॉइल्स हैं, एक पहला दूसरा, आप किसी को भी एक पहला माने पहला इसको माना। जो छोटी कॉइल से वायर निकलेंगे ये मेरा इनर वायर है, और बड़ी कॉइल से जो वायर से निकलेंगे वो आउटर वायर है, और ये मेरा छोटी कॉइल से इनर वायर और ये बड़ी कॉइल से इसका आउटर वायर्स। आपको आउटर टू आउटर वायर जोड़ने हैं, इसको इंसुलेटर आपको किसी चीज़ से साफ कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें सिली पाइप का टुकड़ा लगाना है, उसके बाद इसको आपको अच्छे से इसको जोड़ लेना है, अच्छे तरीके से इसको जोड़ लेना है, उसके बाद आपको बचा हुआ वायर्स आपको काट देना है, और काटने के बाद आपको इसके सिली पाइप का टुकड़ा लगा देना है, आपको आउटर टू आउटर वायर को जोड़ने हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आओ दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।